सब पीपल कैसे हैं आप सब ठीक-ठाक हैं इट्स मी हमज़ेन यू आर वाचिंग एक्सपीरियक्स वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर-खैरियत से होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसकी टाइटल ये रखा गया है कि वर्ल्ड इज शॉक्ड कॉल आते ही इंडियन नेवी का तगड़ा एक्शन आईएनएस विशाखापट्टनम तो आपको याद होगा चंद दिन पहले यानी एक आधा वीक पहले जो है वो एक हमने वीडियो कवर किया था कि दो इंडियन नेवी के वेसल जो हैं वो गल्फ़ ऑफ एडन और ये जो रेड सी है और इसी तरह ये ईरान और यमन के दरमियान जो हरमोस स्ट्रेट है यहाँ भेजे गए हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि हॉसिस जो हैं वो अन्य वाह मिज़ाइल ठोकी जा रही हैं चाहे किसी का इसराइल से ताल्लुक है या नहीं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए भेजे गए थे अब उन्होंने किसी जहाज़ को टक्कर शक्कर मतलब मिज़ाइल मारी है

इस जहाज में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी चालक दल के सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जमन के होती आतंकियों के मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लगी hmm. ब्रिटिश तेल टैंकर के संचालक ने कहा कि जहाज लाल सागर पार करने के बाद अदन की खाड़ी में एक Gulf मिसाइल से जा टकराया नौसेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक एम बी मार्ली लोन्डा के अनुरोध पर आई एन विशाखापट्टनम को मदद के लिए तैनात किया गया है आई एन एस विशाखापट्टनम संकट जहाज में चालक दल को सहायता प्रदान करेगा भारतीय नौसेना ने कहा वह एमबी की सुरक्षा और समुद्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध है प्रतिबद व्यापार जहाजों पर हमले की हालिया घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नौसेना भी काफी चौकस हो गई है एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर ओ, के तो पागल हुए पड़े तो है वो तो धड़ा धड़ मिजाइल मार थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कहा जा रहा है की इंडियन नेवी की एक आईएनएस उसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम हाँ अबे विशाखापट्टनम है शायद <laughs> और चीमा तुझे पीएचडी किसने दी है जो एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था आ, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम एमवी ई मर्लिन लोंडा लोनाडा है समथिंग लाइक दैट उस पे हमला हुआ और उसकी जो डिस्कॉल थी उस पे रिस्पोंड किया और ये होतीस ने इसको हमला किया है और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है यू एस सेंट्रल कमांड में आता है ये एरिया यू एस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यू एस सेंट्रल कमांड ने भी इस पर बात की है लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं और इसके अंदर ये जो एम वी मरलिन जिस मर्चेंट uh, शिप का नाम है इसमें बाईस इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था और इसकी जब इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है ओके डिफेंस टीम को एंगेज किया पहली बात तो ये आ, अपना चीमा साहब ती मतलब इन्ने वे एनालिस्ट बनते हो तो खुद न डॉक्टर चीमा कह भी बड़ा शौक है तो जरा नेम्स सही वेख लिया करो मतलब मेरे जैसा एक लेमैन जो है वो भी कई बार जब नेम नहीं आ रहा होता तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ मैं गलत नहीं बोलता तो आप भी थोड़ा एक्सक्यूज़ कर लिया करें बाकी देखें बात सीधी सी है अमेरिकन सेंट कॉम सेंट्रल कमांड के अंडर एरिया आ रहे और आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि इंडिया क्यों रेस्क्यू कर रहे हैं तो भाई इंडिया जो है वो एक रीजनल इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहे हैं अमेरिकन जो हैं वो इस रीजन को सिर्फ डी कर रहे हैं मिडल ईस्ट को मैं कल ही न्यूज़पेपर में देख रहा था अराउंड एट्टी फ़ाइव टारगेट्स जो हैं उनको हिट किया गया है सीरिया और इराक़ में यू की तरफ से तो आपको क्या लगता है कि जब वो एट्टी फाइव टारगेट्स को हिट कर रहे हैं दूसरी तरफ इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरी तरफ अगर हौसज़ जो हैं वो इसराइल की तरफ रिटेलिएट करते हैं यमन से तो वहाँ भी स्ट्राइक करते हैं तो इट मीन कि वो इस रीजन में सुकून लाने के बजाय मज़ीद हवा दे रहे हैं जंग को और ऐसे में जो उसकी मेन जिम्मेदारी है इस रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है यहाँ के वेसल्स को वो पूरी करने के बजाय जब इस तरह की हरकतें करेगा तो किसी को तो हेल्प करनी पड़ेगी ना और वो इंडियन नेवी फिर कर रही है जहाँ के तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हमें शौक होने वाली बात नहीं थी जब ये चीज़ कहा गया था कि ये दो वेसल भेजे जा रही मर्चेंट शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और रेस्क्यू के लिए तो उसी वक्त सबको समझ जाना चाहिए था कि मतलब उन्होंने कहा है सिक्योरिटी तो वो देंगे सिक्योरिटी उसका कोई थर्ड पर्पस नहीं है जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे कह रहे थे कि भाई ये जो मर्चेंट वेसल्स की सिक्योरिटी के लिए वेसल भेजे गए हैं ये इनका पर्पस कुछ और है ये फ़्रंट पे सिर्फ ये दिखा रहे हैं सिक्योरिटी बैक एंड पे कुछ और है लेकिन ऐसा नहीं है हर चीज़ में इस तरह की चीज़ नहीं ढूँढनी चाहिए कहते हैं ना कीड़े तलाश नहीं करने चाहिए कई बार अप्रिशिएट भी करना चाहिए तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा सी यू बैस